हर साल देश की राजधानी दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हो रही है। दिल्ली के हवाओं में सांस लेना यानी कि 30 से 40 सिगरेट के धुएं को अपने लंग्स में भरने के बराबर है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर अब प्रतिबंध रहेगा। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये हालत और भी खराब हो जाते हैं जब दिल्ली के आसपास के इलाके में परेली जलाया जाता है। रिसेंटली नर्वस सिस्टम की एक बीमारी पार्किंसंस होने के चांसेस 56% तक बढ़ गए हैं। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि एयर क्वालिटी सीवियर लेवल पे होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इस पोल्यूशन का असली कारण क्या है। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आखिर किसान परेली जलाते ही क्यों हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब जानने के लिए हमें 1960s में जाना होगा। क्या आपको पता है इंडिया में 1960s के दौरान क्या हुआ था जिसने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया? दोस्तों 1960s में एक मेजर इवेंट हुआ था जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, जो कि एक इंडियन एग्रोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट थे। क्योंकि उस समय इंडिया में अनाज की बहुत कमी थी जिसके वजह से काफी लोगों को भूखे पेट रहना पड़ रहा था, तो उस टाइम के सरकार ने फूड स्केसिटी को दूर करने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हाई सीड्स और यूरिया लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जिससे वो धान और गेहूं लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सके। तो आपको लग रहा होगा इसमें गलत ही क्या है, तो आप कहीं ना कहीं तक सही हो क्योंकि उस टाइम पे सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था कि वो फूड स्केसिटी को कम करे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट किए गए और बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीकों को इग्नोर किया गया। उस टाइम के कृषि साइंटिस्ट ने फार्मर्स को यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और हाई यील्ड सीड्स यूज करने के लिए सजेस्ट करने लगे जिसने एक नए समस्या को जन्म दिया, वाटर स्केसिटी। क्योंकि हाई इल सीड्स 90 गुना ज्यादा पानी कंज्यूम करते थे कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स और इस प्रॉब्लम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1 kg चावल उगाने के लिए हाई इल सीड्स में 5,000 लीटर पानी देना पड़ता है जिसके लिए सिर्फ बारिश के पानी काफी नहीं थे और फिर वहीं से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन स्टार्ट हो गया। फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसोइल एक्ट और हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसोइल एक्ट पास किया जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी किसान जून से पहले अपने खेतों में धान की फसल नहीं लगा सकता, जिससे हुआ ये कि जो किसान अपने धान की खेती अप्रैल से स्टार्ट करते थे अब वो मानसून सीजन का वेट करने लगे। और सरकार के इस एक्ट के पीछे का लॉजिक ये था कि वो धान की खेती मानसून सीजन के आसपास करवाना चाहते थे जिससे ग्राउंड वाटर कम यूज हो। और गवर्नमेंट के इस एक एक्शन से न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुए। पहला, जो फसल अगस्त और सितंबर में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते थे अब वो अक्टूबर में हो रहे हैं। दूसरा, इस एक्ट से फार्मर के पास अब बहुत कम टाइम बचते हैं नेक्स्ट क्रॉप को लगाने के लिए जो मेनली वीट होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कृषि डिपार्टमेंट ने फार्मर्स को स्टबल बर्निंग एक अच्छा तरीका बताया था जिससे पहले वाले क्रॉप्स की बीमारी, पेस्ट और वीड्स नए क्रॉप्स में नहीं लगेंगे। और पराली का राख जिसमें अच्छा खासा फॉस्फोरस होता है वो मिट्टी के साथ मिलकर एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा नए क्रॉप्स के लिए। फिर उसी नॉलेज के हिसाब से किसानों ने अपने खेतों में परेली जलाना स्टार्ट कर दिया जिससे वो जल्दी से जल्दी दूसरा नया फसल लगा सके। बट ये तो कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स है जिसको हमने ओवर द टाइम क्रिएट किया है, लेकिन एक और फैक्टर है जो परेली के धुएं के साथ मिलके दिल्ली के हवाओं को दूषित कर रहा है जिसने आज दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बना दिया है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परेली से उठे धुएं दिल्ली पर एक स्मोक क्लाउड बनाते हैं क्योंकि इस टाइम पर हिमालयन रीजन पे हवाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है और जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ती है वैसे ही धुएं के साथ पोल्यूटेंट्स मिलकर दिल्ली के हवाओं को और भी ज्यादा दूषित बनाती है और ये मैक्सिमम टाइम दिवाली के समय ही होता है। आज दिल्ली की हालत इतने खराब है कि AQI लेवल 700 के ऊपर है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिमिट से 100 गुना ज्यादा है। रिसेंटली वर्ल्ड कप मैच के प्रैक्टिस सेशन भी कई में अवॉइड कर रही है और बांग्लादेश के कोच का ये मानना है कि वो अपने प्लेयर्स को दिल्ली के पोल्यूशन में ज्यादा एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में अब ऑड इवन नंबर वाला ट्रैफिक सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया है। स्कूल 10 नवंबर तक बंद है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के डॉक्टर्स ने अपने घरों पे एयर प्यूरिफायर और जब भी रूम से बाहर निकले तो N99 मास्क यूज करने के लिए सजेस्ट किया है जिससे एयर प्यूरिफायर्स के सेल्स बढ़ गए हैं। तो अभी तक हमने जाना कि ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ था और हालत आज कितने गंभीर है। ये कंडीशन हर साल बद से बदतर ही हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार परेली का सलूशन सबसे ले रही है सिवाय फार्मर्स। और हर बार की तरह इस बार भी रात को 8 बजे कुछ पार्टी के प्रवक्ता टीवी शोज पे आके डिबेट करेंगे जिससे कोई सलूशन तो निकलेगा नहीं। हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने दिल्ली वालों की आंखें लाल और फेफड़े काले कर दिए हैं। और कुछ लोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को ब्लेम करेंगे तो कुछ लोग रूलिंग पार्टी को। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हमें टाइम मशीन यूज करके पास्ट में जाके ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ बदलाव लाने होंगे या फिर लॉन्ग टर्म में सोच के इनोवेटिव सोल्यूशन खोजना होगा। और ये साफ है कि सिर्फ सब्सिडीज देने से, फार्मर्स पर FIR फाइल करने से और कुछ नए एक्ट लाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे। तो चलिए अब पॉलिटिशियंस की तरह ब्लेम गेम ना खेल के हम कुछ पोटेंशियल सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले हम ये
जानते हैं कि क्या कोई ऐसा कंट्री या फिर सिटी है जिसने वाकई में पोल्यूशन को अपने शहर में कम किया हो, तो दोस्तों उसके लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने वाला हमारा पड़ोसी देश चाइना ही है, जिसके शहर बीजिंग में 2013 में PM2.5 लेवल 800 तक पहुंच गए थे, जिसको चाइना ने कंट्रोल किया और 2018 में PM2.5 लेवल 50 के आसपास हो गए। अगर आप PM2.5 को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, PM2.5 कुछ नहीं बल्कि एक टूल है जिसे पोल्यूशन मेजर किया जाता है। पराली से हो रहे पोल्यूशन से बचने के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करना होगा, जैसे कि मोनोकल्चर फार्मिंग से हमें पॉलीकल्चर फार्मिंग को एडॉप्ट करना होगा, जिसका एक एग्जांपल हम मशरूम की खेती ले सकते हैं, जिसमें कई किसान करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, और पराली को कलेक्ट करके बायोमास से इथानॉल प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो भी लार्ज स्केल में। और आज के हिसाब से हमें न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिशियल हो और इन्वायरमेंट के लिए भी। बट फिर से वही बड़ा सवाल कि ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कौन? अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास कोई पोटेंशियल सलूशन है तो कमेंट में बताएं।